एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक बरसाई गई कई गोलियां और उतार दिया मौत के घाट। कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपके अपने स्क्रीन पर, और ये कोई शूटिंग या गेम नहीं, बल्कि कैमरे के सामने गुंडागर्दी और क्राइम की लिस्ट को और लंबी करने की एक खुलेआम साजिश है। जी हां, बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर में हुए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर। इस मर्डर को मात्र देख लेने भर से ही इंसान के मन में खौफ पैदा हो जाए और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े हो जाएंगे। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में नई सरकार के सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बड़ी चुनौती पेश कर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष के घर में घुसकर हत्या कर दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गोगामेड़ी से बातचीत करने पहुंचे बदमाशों ने अचानक ही उन पर फायरिंग कर दी, किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। क्रॉस फायर में एक हमलावर की भी मौत हो गई है। तीन लोग यहाँ आए थे, बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से, तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया, 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉस फायर के दौरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की जानकारी आग की तरह फैल गई। घटना पर राजपूत समुदाय के लोगों ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुखदेव सिंह के समर्थकों और राजपूत समुदाय के लोग बड़ी संख्या में विरोध के लिए उतर आए, सड़कों को जाम कर नारेबाजी। इस घटना के बाद शहर में माहौल बिगड़ने की आशंका के बीच पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। राजपूत समाज ने बुधवार को जयपुर बंद कराने का ऐलान करने के साथ ही ट्रेनें और गाड़ियां रोकने की चेतावनी दी। गोगामेड़ी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे करणी सेना के, और बहुत ही भले और सर्व समाज के व्यक्ति थे, और हमारे समाज को बड़ी क्षति पहुंची है, पूरे समाजों को क्षति पहुंची है। ये एक षड्यंत्र था और वो सुरक्षा के लिए कंटिन्यूस 2 साल से मांग कर रहे थे, परंतु उनको सुरक्षा नहीं दी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनकी दिन दहाड़े घर में बेडरूम में जाके हत्या हो गई। ये बहुत ही कायराना है वैसे तो कार्य, परंतु मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और ये धरना जब तक नहीं हटेगा तब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा उनकी प्रावधान नहीं होगा। वही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस हत्याकांड पर दुख जताते हुए पूर्व की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। शेखावत ने कहा कि सुखदेव सिंह को जान से मारने की कई धमकियां मिली थी, मगर पूर्व सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं देते हुए पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी थी। देखिए, पिछली सरकार के समय से जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी है, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं, और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है, और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले, और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम सुनिश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन चैन और शांति के शासन कायम